सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए काफी अच्छी अपडेट लाया हूँ गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज काफी ज्यादा पसंद है। तो बाकी जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज नहीं देखते हैं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। मैंने इसकी हर एक सीरीज देखी है और अब मुझे वेट है इसके सीजन 8 का। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीजन 8 के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो फिर फैंस ये सोच रहे थे कि फिर क्या होगा गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ। वेल, तो इसका भी रास्ता HBO ने निकाल लिया है। क्यों? क्योंकि ये एक हिसाब से HBO का क्या, पूरी दुनिया का सबसे महंगा टीवी सीरीज है। आज तक इससे महंगी टीवी सीरीज हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं बनाई है। और हाँ, इस सीरीज से HBO को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि सीजन 8 के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसका रास्ता अब HBO ने निकाल लिया है और वो रास्ता है इसके प्रीक्वल का। जी हाँ, ये ऑफिशियल अपडेट है कि गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 के बाद हमें सीधे इसका प्रीक्वल दिखाया जाएगा, जहाँ पर हमें फिर से काफी सारे कैरेक्टर्स रिटर्न भी नजर आएंगे, जैसे कि टाइविन लैनिस्टर, एडार्क स्टार्क, केसी लैनिस्टर। तो इस सीरीज में बेसिकली ये होगा कि ट्विन लैनिस्टर और उनके साथ जितने भी लोग होंगे, जिन्हें हमने इसमें काफी ज्यादा एजेड देखा है, वो लोग थोड़े जवान होंगे और बाकी के कैरेक्टर जैसे कि एडार्क स्टार्क, वो सभी थोड़े यंग होंगे। यानी हमें इस सीरीज में ये दिखाया जाएगा कि चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट सबसे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में रहते थे, लेकिन फिर उनके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल में देखने मिलेगी। हालांकि मेरे पास भी इसके प्रीक्वल को लेकर इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ इसके टीवी सीरीज देखता हूँ, ना कि गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी बुक पढ़ता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये अपडेट आपको देने काफी ज्यादा जरूरी थे, इसलिए मैंने आपको इस प्रीक्वल के बारे में बताया है। तो जिन लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज नहीं समझ आती है, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इसका सीजन 1 हिंदी में आ चुका है। तो जो लोग इस टीवी सीरीज में इंटरेस्टेड है, वो इसके फर्स्ट सीजन से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जिन लोगों ने अब तक गेम ऑफ थ्रोन्स और स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज नहीं देखी है, उन लोगों ने बहुत बड़ी चीजें मिस कर दी है। और मेरे हिसाब से उन्हें ये दोनों सीरीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। हालांकि बात की जाए इसकी बुक की, तो बुक में काफी सारी स्टोरी डिफरेंट है, जिसे हमें इस टीवी सीरीज में नहीं दिखाया गया है। तो अगर आपको सच में गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में काफी कुछ जानना है, तो मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करूंगा जो गेम ऑफ थ्रोन्स के मामले में इंडिया में सबसे ज्यादा आगे है, और सच में वो चैनल डिजर्व करता है ज्यादा सब्सक्राइबर के लिए। लेकिन फिलहाल तो अभी भी उनके पास काफी अच्छे सब्सक्राइबर है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे चैनल पर जो भी गेम ऑफ थ्रोन्स का फैन है, वो जाकर उनके चैनल पर एक बार विजिट जरूर करे, क्योंकि मैं भी पर्सनली उनकी वीडियोस देखता हूँ और गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड जो भी चीजें मुझे समझ नहीं आती है, वो चीज उनके चैनल पर जाकर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। वेल, तो उस चैनल का नाम है वॉच रोज। हालांकि उनकी तरफ से मुझे ऐसी कोई भी कमेंट नहीं आई है चैनल को प्रमोट करने के लिए, लेकिन सच में उनका चैनल ज्यादा सब्सक्राइबर के लिए डिजर्व करता है, इसलिए मैंने ये चीज इस वीडियो में क्लियर कर दी है। वेल, तो आपकी क्या राय है गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल और उनके चैनल को लेकर, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।